शुरू से शुरू करते हैं, शुरुआत कैसे हुई? अभी जो आप देख रहे हो ये मेरा तीसरा ऑफिस है और टेक्निकली बोलूँ तो चौथा ऑफिस है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑफिस मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे सपनों का ऑफिस है। पहला ऐसा ऑफिस है जिसको हमने बजट से फ्री होके, कंस्ट्रेंट से फ्री होके, हमारी टीम के हिसाब से और सबकी मर्जी से बनाया। पहला जो मेरा ऑफिस था, एक छोटी सी टेबल थी, एक चेयर थी, बजट के कंस्ट्रेंट्स थे, खुद की मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। सो दैट वॉज एन ऑफिस दैट आई बिल्ट विद माई बेसिक अर्निंग। मुझे पहला बिजनेस ऐसा करना था कि जिसमें मुझे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ना लगे और मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं जॉब करूँ। कॉलेज के बाद मेरी प्लेसमेंट हुई और उसके बाद मैंने 18,000 रुपये की नौकरी भी करी एक बिल्डर के साथ, करीबन 8 महीने। काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से एंड आई स्टार्टेड अ मैन पावर का बिजनेस, जहाँ मैंने एक लाइसेंस बनवाया गवर्नमेंट में, वो बहुत ईजी होता है। उसके बाद मैंने टेंडर्स लेने शुरू किए मैन पावर के, हाउस कीपिंग के, सिक्योरिटी गार्ड्स देना, ये सब करना, एंड 2 साल तक मैंने वो किया। फिर मुझे बहुत ही जल्द रियलाइज़ हुआ कि प्रॉफिट मार्जिन्स घटने लगे हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि एंट्री बैरियर कुछ था ही नहीं उस बिज़नेस में। उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे खुद की कंपनी तो बनानी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल आई हैव टू क्रिएट अ ब्रांड और अ कंपनी दैट विल गिव ग्रेट वैल्यू टू द कस्टमर। इंटीरियर्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। उसके बाद मैंने इंटर्न्स हायर किए कॉलेजेस में जाके, मेरी एज के खुद बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया। बच्चों को, लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसी कंपनी में मैं हायरिंग होगी या ट्रेनिंग होगा, बड़ा टफ था वो सब। बट उसके बाद हमने लोगों की हायरिंग की एंड देन वी मूव्ड ऑन टू अ वेरी स्मॉल ऑफिस। एक बेसमेंट हमने एक घर की रेंट पे ली, उस पर अपना ऑफिस चलाया होम्सॉप का। शुरू में काम नहीं आ रहा था, फिर काम लेने सीखे, लोगों से बात करनी तो मेरे को अपने कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस से आई गई थी, और इंटीरियर्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट भी रहा था, और कंस्ट्रक्शन मैंने 8-9 महीने में जॉब पर काफ़ी सीख ली थी, एंड सिविल इंजीनियर तो मैं हुई तो वो बड़ा मुझे काम आया। उसके बाद आई स्टार्टेड माई ओन इंटीरियर्स का बिजनेस। धीरे धीरे छोटे काम आने शुरू हुए, एक बेडरूम, एक बाथरूम, और धीरे धीरे फिर बड़े बड़े बंगलोज तक हम लोग पहुँच गए। द की एलिमेंट्स दैट हेल्प मी मूव ऑन देयर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसने मुझे वहाँ पहुँचने में बहुत ही ज़्यादा मदद की, वो था कि हमने अपने छोटे छोटे इंटर्न्स को एंटरप्रेन्योर बनाया। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में खुद ये सीखा था कि पढ़ाई से ज़्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है। 18, 20 साल के बच्चों ने बड़े बड़े मल्टी लाख्स के प्रोजेक्ट्स अकेले अकेले चलाए एंड दे आर सुपर मैनेजर्स टुडे। उसमें से काफ़ी लोग आज इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो गए हैं, खुद का अच्छा इंटीरियर्स का बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है। सो ग्लैड दैट आई हैव बीन एबल टू क्रिएट ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स इन माई ओन कंपनी टुडे। जो होम्स ऑफ 1.0 होगी, जब हमारा इंटीरियर्स का बिजनेस था, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते थे, लोगों का घर रेनोवेट करते थे, तो हमें एक बहुत ही बड़ी चीज़ रियलाइज़ हुई कि घर को जब रेनोवेट करते हैं लोगों का बजट बहुत मैटर करता है, और इंटीरियर्स एक बहुत ही कॉस्टली चीज़ होती थी उस टाइम पे। सो मेरा हमेशा से एम था कि मैं लोगों को सुंदर घर दे पाऊँ कम से कम कॉस्टिंग पे। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि क्यों ना हम लोग खुद की प्रॉपर्टीज़ डेवलप करें एंड उनको इंटीरियर्स के साथ लोगों को बेचें और ज़्यादा बड़ी वाइडर ऑडियंस को केटर कर पाएँ। तो दैट इज़ द टाइम आई डिसाइडेड दैट हम लोग बिल्डर बनेंगे विद टाइम, बट हमें उसके लिए काफ़ी, बिल्डर बनना एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, फंडिंग्स भी रेज करी। सो बेस्ट चीज़ यही थी कि हम खुद के फ्लैट्स बनाते हैं, और हमने अपना सपना अचीव किया कि हम लोगों को उनकी सपनों का घर देते हैं विद कंप्लीट इंटीरियर्स, रेडी मेड, रेडी टू मूव इन, विद रजिस्ट्री, लोन्स एंड एवरीथिंग। हमने हर बंदे के बजट में ला के रख दिया इंटीरियर्स को, और एक रेडी मेड इंटीरियर के साथ, फर्नीचर के साथ अपार्टमेंट को। सो वो एक सपना था मेरा जो पूरा हुआ। दैट इज़ द टाइम वी मूव्ड इन दिस ऑफिस। और एक समय ऐसा आया कि हम लोग कैपिटल के बाउंडेशन से, कंस्ट्रेंट से फ्री होके अपना ऑफिस बना पाए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मेरे ऑफिस में हमने कौन कौन सी जगहें किस किस हिसाब से बनाई हैं एंड हाउ डिड वी डिज़ाइन इट। सो जो सबसे पहली चीज़, जैसे ही आप हमारे ऑफिस में घुसोगे तो आप नोटिस करोगे हमारा रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा राउंड टेबल लगाया हुआ है और एक काउच लगाया हुआ है। एंड ऑन द राइट हैंड साइड आप देखोगे बी हैप्पी एंड बी ब्राइट के बोर्ड्स। कोई भी हमारे ऑफिस में घुसे तो एक अच्छे मूड के साथ घुसे। एंड उसके बाद ग्रास हमने आर्टिफिशियल लगाई हुई ताकि हम लोग वहाँ स्मॉल मीटिंग्स कर लें। पूरे ऑफिस को हमने सेक्शंस में डिवाइड किया है, ग्रीनरी का बहुत यूज़ किया है। जैसे ही आप रिसेप्शन से अंदर आओगे तो यूल नोटिस देर द वर्क एरिया 1, वहाँ पे हमारी डिज़ाइन की, इम्प्लीमेंटेशन की, प्लानिंग की टीम बैठती है एंड अ लॉट ऑफ क्रिएटिव माइंड्स हू वर्क टुगेदर टू क्रिएट ग्रेट प्रोजेक्ट्स एंड दे डिसाइड हाउ द बिल्डिंग्स विल लुक फ्रॉम आउटसाइड, इनसाइड, 3D, 2D, एवरीथिंग दे डू। इसी एरिया के राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो आपको दिखेगा हमारा लंच डेस्क है, जहाँ पे हम लोग सब बैठ के, 6-7 लोग बैठ के एक साथ लंच कर लिया। एंड जैसे ही आप वर्क एरिया 1 देखोगे, उसके आगे ही आपको दिखेगा देयर इज अ स्पेस जिसके बाहर लिखा है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। दैट यूज़ टू बी माई एग्जीक्यूटिव केबिन थोड़े दिन पहले तक, बट अब हमने उसको प्रोजेक्टर रूम बना दिया, जहाँ पर हम लोग सारी अपनी वॉक थ्रू वीडियोज, मीटिंग कम डिस्कशन रूम का काम करता है। उसी के लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज द थिंक टैंक बॉक्स, उसमें हमारे 2 लीडर्स बैठते हैं,
जो कि मेन डिसीजंस लेते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे होम जॉब का आपने देखा होगा ब्लाइंड लगा हुआ है विंडो पे, उस जगह पे बैठती है हमारे मैनेजर्स, या हम उनको निंजास बोलते हैं क्योंकि उसको एक अलग से ही सेग्रीगेटेड एरिया बनाया गया है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया, फाइनल एरिया पे, जो कि मेरा केबिन है। मेरा केबिन थोड़ा सा सेग्रीगेटेड है ऑफिस से, उसका कारण भी है क्योंकि मेरी बहुत सारी मीटिंग्स होती रहती हैं, तो मेरे केबिन का आई मेक श्योर माई टेबल इज ऑलवेज क्लीन। मैंने अपने पूरे टेबल को ऐसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे टेबल पे ही मौजूद हों। फोन्स को मैं इंश्योर करता हूँ ड्रॉर्स के अंदर हों या फिर अपने चार्जिंग पॉइंट्स पे लगे हों। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे चार्जिंग लगी, चार्जिंग पोर्ट्स लगे हुए हैं। राइट हैंड साइड में आप देखोगे कि वो सारी बुक्स हैं जो भी डेली टू डूज या लेटेस्ट टास्क चल रहे हैं ऑन माई राइट होंगे हमेशा। एंड दैट इज़ हाउ आई कीप माई टेबल ऑर्गेनाइज ऑल द टाइम। आई होप यू लाइक इट, लेट मी नो। एंड बहुत ही जल्द हम एक बहुत ही नए ऑफिस में मूव ऑन करने वाले हैं, दैट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू गाइज, जो कि यूट्यूब और होमजॉब का एक कम्बाइंड ऑफिस होगा। डू टेल मी आपको हमारा ऑफिस पसंद आया कि नहीं। ये बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था मेरे ऑफिस का कि अपने ऑफिस के बारे में बताओ, अपने काम के बारे में बताओ, अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। तो मुझे बताइएगा आपको आगे भी किस टॉपिक के बारे में वीडियोस देखनी है या क्या कुछ ऐसा जो आप मुझसे जानना चाहते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर इट विद यू गाइस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टाटा।